हे गाइस, फिर से न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप ने नई अपडेट जारी की। इस अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या आपको पता है व्हाट्सएप ने नई अपडेट क्या जारी की है? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं व्हाट्सएप ने क्या नई अपडेट की है इस मार्च मंथ में। गाइस, जैसे ही आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हम यहाँ पर अपकमिंग फीचर्स के बारे में बताएंगे, कैसे आप यहाँ पर नए फीचर्स देख सकते हैं व्हाट्सएप में। जब आप ऐसे क्लिक करेंगे फिर आपको कैमरे वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जब आप पहले वीडियो बनाते तो आप इस पर क्लिक करके आप ऐसे फ़ोटो खींच सकते थे या वीडियो बना सकते थे, अलाव वगैरह करके आप यहाँ से रख कर। लेकिन यहाँ पर नया अपडेट ये आ चुका है सॉरी गाइस, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो का एक आइकन यहाँ से आ गया। यहाँ से आप लॉन्ग प्रेस आपको नहीं करना होगा, आप सिंपली यहीं से आप वीडियो या फोटो वगैरह यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये नया फीचर्स यहाँ पर आ गया। अगर आप कोई ग्रुप बनाए हुए आप वहाँ से अधिक आप 100 वर्ड लिख सकते हैं। और गाइस, यहाँ पर एक और नया फीचर है कि आप एक साथ 100 फोटोज़ भेज सकते हैं किसी को। पहले आप कम ही 5 ही लोगों को भेज सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप 100 लोगों से बढ़ाकर एक्स्ट्रा कर देंगे। यानी फ़ोटो वगैरह भी ज़्यादा सेंड कर सकते हैं और जो भी आप करना चाहें यहाँ पर जितने भी आप सेंड करेंगे वो उतनी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद आपको सेटिंग वाले आइकन पर जाना है और आपको प्राइवेसी वाले आइकन पर जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नया अपडेट और जारी हुआ है कि यहाँ पर आप पिछली बार देखा गया नहीं ऑनलाइन दिखाता था जब किसी की लास्ट सीन आप देखा करते थे। तो आप यहाँ से आप इसे चाहें तो बंद कर सकते हैं या इसे किसी भी कंटेंट को आप सिर्फ एक ही कंटेंट को सेट करना चाहते हैं तो एक ही को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप प्रोफाइल फ़ोटो को छिपाना चाहते हैं तो प्रोफाइल फ़ोटो को भी छिपा सकते हैं यहाँ पर नीचे। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लाइव लोकेशन का एक नया ऑप्शन दे दिया गया है जिससे आप लाइव लोकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप भी ऐड कर दिया गया, अगर आप ग्रुप में जाना चाहें तो आप ग्रुप पर भी जा सकते हैं, अगर यहाँ से बंद कर देंगे तो आप ग्रुप में नहीं जा सकते। और एक और यहाँ पर अकाउंट वाले आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर इसके बाद मैं बताऊँगा। यहाँ पर गाइस, आप फ़ोन नंबर यहीं से भी बदल सकते हैं, आपको दोबारा व्हाट्सअप को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी बदल सकते हैं। और यहाँ पर एक और एक नया ऑप्शन यहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टोरेज एंड डेटा में जैसे ही आप जाएंगे इस पर प्रॉक्सी सर्वर में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से अगर आपकी कंट्री में अगर यहाँ पर व्हाट्सअप बैन हो गया तो आप इस सर्वर का यूज़ करके आप अपने इस व्हाट्सअप को चला सकते हैं बिल्कुल। मान लीजिए आप कहीं अंते रहते हैं, वहाँ पर व्हाट्सअप बैन है तो आप व्हाट्सअप से कनेक्ट होकर नहीं व्हाट्सअप चला सकते हैं, तो आप किसी प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करके यहाँ पर आप चला सकते हैं। मान लीजिए आप गूगल से जाकर कोई भी प्रॉक्सी सर्वर खरीद सकते हैं, कहीं फ्री में भी मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ चुका है। जब आप मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ से फोटो जो कुछ आप सेट करना चाहें वहाँ से सेट कर सकते हैं, फोटो वगैरह। अगर आप यहाँ से वाईफाई से जुड़े तो आप सभी मीडिया डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप रोमिंग में हो तो आपकी कोई वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ जाएगा कि अपलोड की जाने वाली फोटो की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बेहतरीन डेटा बचाने वाली आप जो कुछ सेट करना चाहें यहाँ से सेट कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर आपको जिस डिवाइस में यहाँ पर हुआ है वहाँ पर एंड्रॉयड 11 वर्जन है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको लिख कर यहाँ पर दिखाई जाएंगी। आप यहाँ पर नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपका यहाँ पर बना हुआ वहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को जरूर